लोकसभा चुनाव के छठे चरण के तहत आज 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 58 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। दिल्ली की 7, उत्तर प्रदेश की 14, हरियाणा की सभी 10, बिहार और पश्चिम बंगाल की 8, ओडिशा की 6 और झारखंड के 4 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। साथ ही जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर भी आज वोटिंग हो रही है। से कहना चाहती हूँ या अपील करना चाहती हूँ कि आप तो बात करेंगे झारखंड की, जहां तीसरे चरण का मतदान हो रहा है। रांची में लोग मतदान कर रहे हैं। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन ने हरमो स्थित संत फ्रांसिस स्कूल स्थित मतदान केंद्र में मताधिकार का प्रयोग किया। चुनाव प्रचार करने के लिए संथाल निकलने से पहले कल्पना सोरेन ने आम लोगों के साथ आधे घंटे से अधिक समय तक लाइन में रहकर अपनी बारी का इंतजार किया और अपने नंबर आने पर वोट कास्ट किया। मतदान के बाद कल्पना सोरेन ने कहा कि हमने मतदान कर अपना कर्तव्य निभाया है। कहा कि आप भी मतदान करें, क्योंकि लोकतंत्र को बचाने के लिए मतदान जरूरी है। मौके पर जायजा लिया रफ्तार मीडिया के विशेष संवाददाता सौरभ रॉय ने। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। मतदान का कृपया करके इस्तेमाल करिए। मेरी तरफ से आप सभी को प्रणाम है, नमस्कार है, धन्यवाद। आज का दिन आप लोग छुट्टी मना करके घर पे ना रहे, आपकी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी है, उन जिम्मेदारी को बखूबी निभाइए। देखिए ये ये जो ताकत है ये आपके हाथ में है। बताओ से कहना चाहती हूँ, ये अपील करना चाहती हूँ कि आज का दिन आप लोग छुट्टी मना करके घर पे ना रहे, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाइए। देखिए ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन जी ने मतदान दे दिया है। आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें रफ्तार मीडिया की ओर से किस प्रकार से कल्पना सोरेन जी ने मतदान देकर निकला है। लोकतंत्र के त्यौहार की एक खूबसूरती है, यहाँ पे आम हो या खास सभी कोई मतदान का प्रयोग करते हैं। कल्पना सोरेन जी की तस्वीरें हमारे चैनल के माध्यम से आप देख रहे होंगे, अभी मीडिया को संबोधित भी करेगी। हम कोशिश करते हैं उनसे सीधे जुड़ने की कि मतदान के बाद उनका क्या है राय, क्योंकि लोकतंत्र का खूबसूरत त्यौहार है जिसमें आम हो या खास सभी कोई मिलकर मत अधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आते हैं। कल्पना सोरेन जी की तस्वीरें रफ्तार मीडिया की ओर से आप देख रहे होंगे किस प्रकार से कल्पना सोरेन जी ने मतदान करके बाहर निकला है। जैसा कि आपने देखा, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन जी ने अपना मताधिकार का प्रयोग कर दिया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए वोटिंग करना बेहद ही आवश्यकता है और इसलिए उन्होंने भी वोटिंग किया है और एक बढ़िया मैसेज भी देने की कोशिश की है। रफ्तार मीडिया से संवाददाता सौरभ राय से होगी मुकेश के।